Hey everyone, gamers, streamers and everyone else, my name is Parsh Garg and welcome back to my channel. अब जितने भी लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं, राइट, जो काफ़ी टाइम से पिछले 4-5 महीनों में ज़्यादातर लोग नए आए हैं, उन लोगों को शायद नहीं पता होगा कि जब भी कोई नया प्रोडक्ट निकलता है तो मैं अपने चैनल पर उनसे रिलेटेड बेंचमार्क्स की भी एक सीरीज निकालता हूँ, ठीक है। तो NVIDIA ने अपने नए RTX 30 सीरीज ग्राफिक्स कार्ड्स को अराउंड 15-20 दिनों पहले निकाल ही दिया था, लेकिन दे हैव लिफ्टेड द एम्बार्गो फॉर देम यस्टरडे, विच मीन्स दैट वी कैन फाइनली डिस्कस द बेंचमार्क्स ऑफ दीज बेबीज फॉर द फर्स्ट टाइम एंड टॉक अबाउट देयर न्यू एम्पियर आर्किटेक्चर इन ब्रीफ। ये वाली चीज मैं काफी टाइम बात कर रहा हूँ बिकॉज काफी टाइम से नया प्रोडक्ट निकला ही नहीं था कोई, लेकिन अब निकल गया है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ आईड लाइक टू कन्फेस कि मेरे खुद के पास ये GPUs नहीं है, लेकिन ट्रस्ट मी, इवन विदाउट देम, इवन विदाउट द हार्डवेयर, मैं तुम्हें सारे सो कॉल्ड इंडियन टेक यूट्यूबर से बेहतर व्यू दे सकता हूँ। Shots fired. And now that I've got your interest, let's talk about the new NVIDIA RTX 3080 GPU. And my God, do we have a lot to talk about in this series. And in fact, मैं description में तुम्हारे को timestamps दे दिए हैं, अगर सिर्फ तुम्हारे को benchmark से मतलब है तो तुम वहाँ जाके timestamps देख सकते हो और benchmarks देख सकते हो और अपना काम खत्म कर सकते हो, लेकिन I'd recommend कि मेरी शुरुआत की भी बकबक थोड़ी सी सुन लो, जिस चीज़ को तुम खरीदने जा रहे हो उसके बारे में थोड़ा सा पता लग जाएगा, बकरियों की तरह सिर्फ उस चीज़ पे पैसे डाल के नहीं आ जाओगे तुम, राइट। There's plenty of architectural information about this card that I could go over and I can also explore the founders edition card's design. बट ये दोनों एक साथ किया तो एक घंटे की वीडियो हो जाएगी एंड दिस इज नॉट अ गेमर्स नेक्सस वीडियो, राइट। राइट नाउ इट्स क्लियर दैट मोस्ट ऑफ यू वांट द बेंचमार्क डेटा, सो वी कवर द हार्डवेयर बेसिक्स एंड देन जंपिंग टू द रिजल्ट्स, राइट। सो विद एम्पियर, एंड इट्स गोना बी ट्रिकी नाउ, अ बिग चेंज दैट हैज बीन मेड टू द GPUs फ्रॉम NVIDIA इज द SMs या फिर स्ट्रीम मल्टीप्रोसेसर्स ऑफ द GPU एंड इट्स FP32 थ्रूपुट। NVIDIA basically doubled the throughput by designing a new data path for FP32 and INT32 operations, which results in 4 partitions combined executing 128 FP32 operations per clock. basically, तुम चाहो तो मैं इसका एक पूरा आर्किटेक्चर समझाते हुए वीडियो बना सकता हूँ, और मेरे को समझ आ गया है, लेकिन अभी के लिए इतना समझो, और मेरे को समझ इसलिए आया क्योंकि NVIDIA ने अपने डॉक्यूमेंट्स निकाल दिए हैं, अब तो अब समझ आ रहा है, लेकिन अभी के लिए तुम इतना समझो कि ये एक SM है NVIDIA का जो तुम्हारी स्क्रीन पर है अब 30 सीरीज GPU का। पहले एक SM के लिए FP32 यूनिट्स और INT32 यूनिट्स अलग अलग होते थे, लेकिन जब भी उस वाले डिजाइन का एक फ्लॉ ये था कि जब भी उसकी जरूरत नहीं होती थी वो खाली बैठा होता था। INT32 की जरूरत नहीं है तो INT खाली बैठा है, FP32 की जरूरत नहीं है तो FP32 खाली बैठा है, जिसका मतलब ये है कि ये जो सिलिकॉन पे प्रेशियस स्पेस है ये एट सम पॉइंट वेस्ट हो रखी है। इसके अंदर तुम FP32 कोर्स डाल सकते थे जिससे तुम्हारी गेमिंग परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, या INT32 डाल देते अगर तुम्हारे को प्रोसेसिंग वगैरह से फर्क पड़ता है तो, राइट, तो वो वेस्ट हो रही है एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। तो अब NVIDIA ने FP32 के लिए कुछ डेडिकेटेड यूनिट्स रखे हैं नए वाले SM में, और कुछ यूनिट्स को FP32 और INT32 दोनों के लिए केपेबल कर दिया है अपने नए आर्किटेक्चर की वजह से। इसका मतलब यह है कि पर क्लॉक दीज यूनिट्स कैन ईदर डू INT32 प्रोसेसिंग और FP32 प्रोसेसिंग, विच एवर इज नेसेसरी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जिसकी वजह से कम जगह में ज्यादा FP2 यूनिट्स आ सकते हैं, राइट, क्योंकि GPU में तुम्हारे को INT32 वाले भी FP32 हैं, FP32 वाले INT32 हैं, राइट। एंड बाय द वे FP32 जितना ज्यादा हो, जितनी ज्यादा तुम्हारी FP32 परफॉर्मेंस होगी उतनी ही तुम्हारी गेमिंग परफॉर्मेंस होगी, सो इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट यू वांट, ठीक है, लेकिन नॉट टू डायरेक्टली। कैसे बताता हूँ, वो ऐसे कि ये पूरा का पूरा जो मैंने अभी अभी ऊपर बताया ना, ये एक ओवर सिंप्लीफिकेशन है, लेकिन इतने में ही लोगों के दिमाग से धुआं निकलने लग चुका है अभी से। लेकिन शॉर्ट में समझे तो यही रीजन है कि NVIDIA अपने 3080 में 2080 Ti के मुकाबले डबल द CUDA कोर्स दिखा रहा है स्पेकशीट पर, जबकि असलियत में ऐसा नहीं है। डेडिकेटेड FP32 कोर्स उतने ही हैं, लेकिन साथ में उसके INT32 वाले भी जोड़ दिए हैं NVIDIA ने FP32 के लिए, क्योंकि टेक्निकली परफॉर्म तो वो FP32 कोर्स की तरह कर सकते हैं ना, राइट। तो यहां पे इन्होंने जो होता है ना, ये मार्केटिंग है NVIDIA की, दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर लास्ट 4 वीडियोस ऑफ माइन। और तुम चैनल पे नए आए हो और इसी वीडियो को देख रहे हो तो वो वाली वीडियोस चारों देख लो, तुम्हारे को काफी कुछ सीखने को मिलेगा, राइट। इट इज हाईली रिकमेंडेड कि वो वीडियोस जाकर तुम देखो, एंड इसी की वजह से बाय द वे
CUDA कोर्स 2080 Ti के मुकाबले डबल कर देने के बाद भी, जो ये डबल कर दे रहे हैं, उसके बाद भी तुम्हारे को डबल परफॉर्मेंस नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि वाइल सम ऑफ द INT32 एंड FP32 जो सिंगल कोर जिसमें दोनों प्रोसेसिंग हो सकती है वो FP32 की तरह परफॉर्म कर रहे होंगे, अ लॉट ऑफ देम विल ऑल्सो बी परफॉर्मिंग लाइक एन INT32। ठीक है, जीपीयू को एट वन पॉइंट ऑफ टाइम दोनों की ही जरूरत पड़ती है, किसी की ज्यादा किसी की कम। ठीक है, इस वजह से डबल द परफॉर्मेंस तुम्हारे को नहीं मिल पा रही है डबल दी FP32 यूनिट्स के बाद भी। नाउ ऑन पेपर साइड बाय साइड कंपैरिजन फॉर आर मेन पार्टीज फॉर टुडे इज ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। बेंचमार्क्स के पास हम पहुंचने वाले हैं एंड 2080 Ti एंड 3080 में यहां पे सेम नंबर ऑफ SMs हैं, लेकिन CUDA कोर्स NVIDIA डबल बता रहा है। तो अब तुम्हें पता है कि वो डबल द CUDA कोर्स कैसे हैं और उनकी वजह से तुम्हारे को डबल द परफॉर्मेंस नहीं मिलने वाली है। बट ऑफकोर्स इट इज नॉट डबल, बट देर इज अ सिग्निफिकेंट परफॉर्मेंस इंक्रीज। एंड स्पीकिंग ऑफ परफॉर्मेंस, लेट्स जस्ट जंप इन टू सम बेंचमार्क्स अगेन। मेरे खुद के पास ये GPU नहीं है, मैं बार बार बता रहा हूँ, बट आई वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ बेंचमार्क्स फ्रॉम अ लॉट ऑफ ट्रस्टवर्दी पब्लिशर्स एंड यूट्यूबर्स, सो आई कैन मेक एन इन्फॉर्म्ड असेसमेंट ऑफ देम नंबर्स इवन इफ आई डोंट हैव द हार्डवेयर। वी आर गोना डिस्कस सम गेम्स फर्स्ट, स्टार्टिंग विद डेथ स्ट्रैंडिंग। 2080 Ti के ऊपर 1440p में तुम्हार को 3080 26% का परफॉर्मेंस इंक्रीज देता है और RTX 2080 पे तुम्हारे को 41% का इंक्रीज मिलता है। ग्राफ तुम्हारे सामने है, अगर तुम डेथ स्ट्रैंडिंग में देखो तो 1440p में। जिन लोगों की नज़र नहीं गई है, मैंने साइड में टेस्ट बेंचेस जो यूज़ हुए हैं वो भी रखे हुए हैं। Ryzen 9 3950X और 10900 के दोनों के ही यूज़ हुए हैं और दोनों ही बेंचेस पे बाय द वे आइडेंटिकल रिजल्ट्स तुम्हारे को मिल रहे हैं, दो चार फ्रेम्स को छोड़ के। तो हो सकता है कि मैं 10900K को मूविंग ऑन, अगर मेरे को कोई ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं दिखती है तो मेंशन भी ना करूं। कमिंग बैक टू डेथ स्ट्रैंडिंग बेंचमार्क्स, मूविंग ऑन टू 4K रेजोल्यूशन फॉर Death Stranding does improve margins for RTX 3080 and now it's 29% faster than 2080 Ti and 60% faster than vanilla 2080 and of course 4K pe 107 FPS on average। अपने आप में मुंह में पानी लेकर आ जाने वाली बात है। Unfortunately, इस लेवल की जो परफॉर्मेंस है माइक्रोसॉफ्ट फ्लाइट सिमुलेटर 2020 में 1440p पे परफॉर्मेंस गेन्स काफ़ी अच्छे नहीं है, काफ़ी वीक है। एंड दिस इज लार्जली ड्यू टू द यूज ऑफ 3950X। द गेम जस्ट doesn't यूटिलाइज Ryzen प्रोसेसर्स वेरी वेल राइट नाउ एंड सिर्फ 9% का परफॉर्मेंस इंक्रीज ओवर द 2080 Ti तुम्हार को देखने को मिलता है 3080 में एंड 30% ओवर दी 2080 तुम्हारे को देखने को मिलता है 3080 में। बट इवन विद इन इंटेल CPU, Ryzen CPU तो है ही बुरा, इंटेल CPU के साथ भी 2080 Ti के ऊपर तुम्हें सिर्फ 20% का ही इंक्रीज देखने को मिलता है विद अ 3080। जंपिंग टू 4K does help alleviate the CPU bottleneck a little bit and the RTX 3080 was 29% faster than 2080 Ti. 10900K के साथ भी हमें सेम ही रिजल्ट देखने को मिलते हैं। विद एन RTX 3080 यू आर लुकिंग एट जस्ट 40 FPS एट 4K एंड यू नो एकदम से डेथ स्टैंडिंग पे तुम्हें जो होता है भविष्य दिखा दिया, फिर फ्लाइट सिम ने तुम्हारे को 2010 में पटक दिया 4K में अगर तुम देखो तो। तो या फ्लाइट सिमुलेटर इज नॉट डूइंग वेरी गुड विद दीज बेंचमार्क्स। बट मूविंग ऑन टू शैडो ऑफ द टूम रेडर, 1440p पे RTX 3080 2080 Ti से 28% फास्टर है और 2080 से 57% फास्टर है 3080 ऑन एवरेज 154 FPS। ऑसम। एंड देन एट 4K वी सी दैट 87 FPS ऑन एवरेज इज पॉसिबल विद द RTX 3080 विच इज अ 67% इंक्रीज ओवर द 2080 एंड 30% ओवर द 2080 Ti. Impressive gains considering this is a $700 GPU at least on paper, right? मैंने at least on paper क्यों बोला है ये जानने के लिए आई बटन में वीडियो दे दी है, जरूर जाकर देख लेना। ट्रस्ट मी वो देखनी बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर चैनल पर नए आए तो, पुराने लोगों को पहले से ही पता और वो हंस रहे हैं। ठीक है, स्पॉइलर अलर्ट, NVIDIA is a marketing genius. Come on man, they outdid themselves this time.
बट मूविंग ऑन टू आर बेंचमार्क्स अगेन, समथिंग फॉर दी FPS गेमर्स एज वेल, टॉम क्लैंसीज रेनबो सिक्स सीज 1440p पे 28% इंक्रीज देता है 2080 Ti के मुकाबले, और अ मैसिव 63% इंक्रीज कंपेयर टू 2080. बाय द वे, जिन लोगों के पास भी 2080 सुपर है, वेल ऑन एन एवरेज 2080 सुपर 2080 से सिर्फ 5% के ऊपर की परफॉर्मेंस देता है, एंड ग्राफ में 2080 सुपर के स्कोर्स भी मैंने दे रखे हैं, तो उसी से तुम्हारे को पता लग जाएगा. उसके ऊपर से NVIDIA 2080 के साथ 3080 को ही कंपेयर कर रहा है अपनी ऑफिशियल स्लाइड में भी, तो दैट्स व्हाई आई माइट नॉट इवन रेफरेंस 2080 सुपर अगेन इन दिस वीडियो, लेकिन तुम्हारे सामने रिजल्ट्स हैं. बट कमिंग बैक टू टॉम क्लैंसीज एट 4K, वी आर लुकिंग एट अ 29% इंक्रीज ओवर द 2080 Ti एंड 71% ओवर द 2080. भाई साहब, 4K FPS गेमिंग को तो पूरा हिला डाला है इसने. वेरी वेरी इंप्रेसिव, प्राउड ऑफ यू NVIDIA. ऑल्सो 2080 Ti 4K पर 135 FPS ऑन एवरेज देता है. 3080 के साथ यहां पर तुम्हार को 1% लोज भी 152 फ्रेम्स पर सेकंड मिल रहे हैं, मतलब मिनिमम फ्रेम्स ही उसके एवरेज फ्रेम से ज्यादा है. दोज आर सम रियल माउथ वाटरिंग नंबर्स जेंटलमैन, एंड मैंने सिर्फ जेंटलमैन इसलिए बोला क्योंकि लेडीज तो कहीं देखेंगी इस वीडियो को. I'm not sexist, but like, who am I kidding? Moving on to Horizon Zero Dawn, which is one of the most beautiful looking games I have ever played, and highly recommend everyone else to play well. This actually, ये काफी अच्छे से तरीके से जुड़ता है कि मैं sexist नहीं. Horizon Zero Dawn, female protagonist, man. I'm not sexist. At 1440p, we're looking at a 33% performance uplift फॉर RTX 3080 ओवर 2080 Ti, जो कि अभी तक का सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट है इन दोनों कार्ड्स के बीच में एट 1440p. एंड हमें सेम ही ट्रेंड देखने को मिलता है व्हेन वी कंपेयर इट टू 2080 विद 70% इम्प्रूवमेंट विद 3080. माई गॉड, व्हेन वी लुक एट Horizon Zero Dawn एट 4K, द इम्प्रूवमेंट जस्ट गेट्स बेटर with RTX 3080 being 43% faster than 2080 Ti, frame rate tumhari screens par hai, and a whopping 80% faster than a 2080. Horizon Zero Dawn is looking delicious within RTX 3080, and these over-the-top awesome-looking games does seem to be one of the strong fields to play on with your RTX 3080. Moving on to Doom Eternal, NVIDIA ne खुद इस गेम पे RTX 3080 की परफॉर्मेंस को काफ़ी जो होता है सराहाया, काफ़ी तारीफ की है इसके. एंड अगर 4K पे इसकी परफॉर्मेंस को देखोगे ना, यू विल अंडरस्टैंड वाई. बट उससे पहले एट 1440p द रिजल्ट्स आंट ओवरली इम्प्रेसिव कंपेयर टू अदर्स. 3080 इज रफली 20% फास्टर देन 2080 Ti एंड 51% फास्टर देन द 2080. लेकिन जब तुम इसे 4K अल्ट्रा नाइटमेयर प्रीसेट पर सेट करते हो इस गेम को, तो ड्यूरिंग द टेस्ट RTX 3080 की 10GB VRAM में से 9GB ऑफ VRAM यूज हो रही थी खुली, विच मीन्स दैट GPU गेम को पूरा सपोर्ट कर रहा है कि भैया तुझे जो करना है कर ले. एंड इट शोज ऑफ इन द रिजल्ट्स एज वेल. द 3080 वॉज 35% फास्टर देन 2080 Ti, बट अ माइंड ब्लोइंग 115% फास्टर देन 2080, विच doesn't make sense, right? Also, by the way, it was 93% faster than 1080 Ti, जो कि 2080 से बेहतर परफॉर्म कर रहा है इस वाली गेम में. अब क्यों हो रहा है ये? ठीक है, ऐसा क्यों? Well, क्योंकि याद करो 1080 Ti में 2080 के मुकाबले ज्यादा रैम थी, VRAM ज्यादा थी. तो ये वाली जो गेम है ना, इसका जो टेस्ट डिजिटल फाउंड्री ने दिया था, by the way, NVIDIA के साथ कॉरपोरेशन में उन्होंने निकाला था, उसे देख के ना लोगों में बहुत ज़्यादा हाइप हुई थी, खासकर इंडिया में, कि ये कार डबल द परफॉर्मेंस लेकर आने वाला है, डबल द परफॉर्मेंस लेकर आने वाला है. और मैंने कई वीडियोस निकाली थी बेंचमार्क्स आने से पहले कि भैया डबल परफॉर्मेंस नहीं है, रुक जाओ, सबर कर लो, डबल नहीं है. मैंने कई रीजंस भी दिए थे उसके, लेकिन लोगों को ना हाइप का क्रिटिसिज्म पसंद नहीं आता, उन्हें बर्दाश्त नहीं होता, बिकॉज ऑफ विच मुझे काफ़ी डिसलाइक्स मिले थे उन वाली वीडियो पे जिसमें मैं जो होता है इस वाली मार्केटिंग प्रैक्टिस को क्रिटिसाइज कर रहा था.
बट डिसलाइक से ज़्यादा लाइक्स थे. सो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल फॉर यू गाइज, लव यू ऑल जो मेरे चैनल पर पहले से हैं. तुम लोग ना होते तो मेरा क्या ही होता. तो जो डूम इटर्नल का डेटा है ना डिजिटल फाउंड्री का, वो एक्यूरेट है, लेकिन इट्स समवॉट मिसलीडिंग क्योंकि उसमें पूरी पिक्चर नहीं उन्होंने बताई. वेल तुम गेम की, तुम्हें पूरी पिक्चर जाननी है ना, तो तुम गेम की सारी सेटिंग्स को अल्ट्रा नाइटमेयर पर कर दो, सिर्फ टेक्सचर पूल साइज को अल्ट्रा पे छोड़ दो एक नीचे. उससे क्या होगा कि वीरैम यूजेज जो 9 GB पर आ रहा है ना, वो 7 GB पर हो जाएगा. उससे क्या होगा, वेल 2080 में 8 GB वीरैम है, तो अब उसके अंदर की जो अमाउंट ऑफ वीरैम है ना, वो एक बॉटलनेक नहीं रहेगी. राइट, वो 9 GB यूज कर रहा था, इसके अंदर सिर्फ 8 GB है, यहां बॉटलनेक हो गया, जिसकी वजह से अब अगर हम 4K पर सारे GPUs को दोबारा से बेंचमार्क करेंगे तो 2080 Ti और 3080 के नंबर्स में ज्यादा फर्क नहीं आएगा. ग्राफ तुम्हारे सामने है, लेकिन 2080 के फ्रेम रेट्स एकदम से बढ़ जाएंगे और अब 2080 और 3080 में सिर्फ 70% का परफॉर्मेंस डिफरेंस रह गया है 4K पे, कंपेयर टू दी 115% परफॉर्मेंस डिफरेंस दैट वी वर बीइंग शोन. तो बेसिकली ये जो 115% का परफॉर्मेंस डिफरेंस है ना, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि RTX 2080 कम VRAM की वजह से क्रिपल हो जाता है, और अगर उसमें भी 10 या 11 GB VRAM होती तो अराउंड तुम्हारे को 65% या 60% का परफॉर्मेंस डिफरेंस देखने को मिलता. देर आर मैनी मैनी मोर गेम्स जिस पर यह बेंचमार्क हुआ था, उसके ग्राफ मैंने तुम्हारी स्क्रीन पर दे दिए हैं, तुम पॉज करके देख सकते हो, मेरे को तो वॉच टाइम ही मिलेगा. बट ऑन एवरेज एट 1440p RTX 2080 Ti से 21% बेहतर है 3080, और 2080 से 45% बेहतर है 3080. राइट, ऑफकोर्स 4K इज वेयर द RTX 3080 शाइन्स द बेस्ट, एंड एट दिस रेजोल्यूशन ऑन एवरेज RTX 3080 2080 Ti से अराउंड 35% फास्टर है और 2080 से अराउंड 75% फास्टर है, विच जो कि मैंने बोला था, मेरे को ऐसा लग रहा था कि 55 या 60% ही फास्टर होगा, जो कि मेरे जो मैंने बोला था उससे ज़्यादा है. लेकिन कम ऑन मैन, कट मी सम स्लैक, NVIDIA ये बोल रहा था कि 100% फास्टर होगा और ये सिर्फ 75% फास्टर है. मैं तो फिर भी 60% बोल रहा था और मेरे से सिर्फ 15 यूनिट ऊपर है. उनके प्रोडक्ट के बारे में अगर उनसे ज़्यादा एक्यूरेटली मैं उनके बेंचमार्क्स को प्रिडिक्ट कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा तो सिर्फ 15 यूनिट्स की दूरी पर, मैंने 60 बोला था 75 है, उन्होंने 100 बोला था 75 है, 25 नीचे गिर गए ना. अगर मैं ज़्यादा एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर पा रहा हूँ उनके प्रोडक्ट के बारे में तो कट मी सम स्लैक, दैट इज इनफ विन फॉर मी. राइट, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट आई वुड लाइक टू कंसीड, आई से दैट दोज आर सम गुड नंबर्स. राइट, एंड वेल इन द लाइन्स ऑफ वट वी शुड एक्सपेक्ट, बिल्कुल सही है. बट ऑन अ बिगर पिक्चर आई लाइक टू से एंड आई लाइक टू कन्फेस दैट दीज आर सम गुड नंबर्स, एंड वेल इन द लाइन्स ऑफ वट वी वर एक्सपेक्टिंग, ये बिल्कुल सही है. दीज GPUs आर गुड अपग्रेड, बट एट वॉट कॉस्ट. राइट, मैं डॉलर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पावर सप्लाई की भी बात कर रहा हूँ. राइट, क्योंकि पावर सप्लाई भी तो लोगे ना. एंड वेल इट्स टफ मैन, वी आर लुकिंग एट अ बिग 21% इंक्रीज इन टोटल सिस्टम यूजेज एज द RTX 3080 पुशेस द टेस्ट सिस्टम अप टू 523 watts. दैट्स अबव and beyond the likes of GTX 1080 Ti and even Vega 64 to name a few power hungry graphics card. ये बहुत power hungry थे और उनसे भी ऊपर है. Of course, इसको 12 pin connectors की ज़रूरत क्यों पड़ रही है हमारे को यहाँ पे पता लग रहा है, या फिर dual 8 pin connectors भी इसके अंदर आते हैं, तो मतलब हमें पता है कि क्यों पड़ रही है. अगर सिर्फ GPU की performance को तुम isolate करना चाहते हो तो NVIDIA's PC80 Power Capture Analysis Tool यूज़ किया जा सकता है, जो कि इन्होंने रिव्यूअर्स ने यूज़ भी किया है. ये एक्चुअली काफ़ी कमाल का टूल है क्योंकि इससे PCI पावर कनेक्टर्स और PCI स्लॉट दोनों से ही आने वाली पावर को मेजर किया जा सकता है. एंड बाय द वे ये किसी को भी मिल नहीं सकता है. राइट, क्योंकि ये NVIDIA ने खुद रिव्यूअर्स को टूल प्रोवाइड किया है, यू कैन नॉट बाय इट फ्रॉम एनीवेयर, जस्ट टेलिंग यू गाइस. बट कमिंग बैक टू पावर ड्रॉ बाय द GPU इटसेल्फ, here we can see that the RTX 3080 consumes 25% more power than the RTX 2080 Ti and 29% more than RTX 2080. So yeah, these GPUs are very power hungry.
एंड एटलीस्ट एक 800 वॉट्स की पावर सप्लाई तुम्हारे को चाहिए ही चाहिए अगर तुम ये जीपीयू ले रहे हो तो। सो आरटीएक्स 3080 इन ऑल यू नो रेट्रोस्पेक्ट ऑल इन ऑल इन अ बिगर पिक्चर इज अ गुड जीपीयू राइट। यस इट्स सम सॉलिड हार्डवेयर राइट देयर माय फ्रेंड्स, बट एनवीडिया की जो मार्केटिंग प्रैक्टिसेस है ना उनकी वजह से इस जीपीयू को क्रिटिसाइज किया जाता है। दी ओनली थिंग आई डोंट लाइक अबाउट दिस जीपीयू इज इट्स मार्केटिंग। डबल बोलने की क्या जरूरत थी यार, डबल नहीं है राइट, बट फाइनल वर्डिंग अगर तुम ये जीपीयू लेना चाहते हो तो गो अहेड, इट्स अ फैंटास्टिक पीस ऑफ हार्डवेयर, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, बट बेयर इन माइंड कि इसमें सिर्फ 10 GB VRAM है राइट। एंड हमने अभी अभी डूम में देखा है कि कैसे ओवर द टाइम VRAM एक बॉटलनेक बन सकती है। 1080 Ti तुम्हारा जो होता है नाइटमेयर अल्ट्रा पे 2080 से बेहतर परफॉर्म कर रहा है जस्ट बिकॉज 2080 जो होता है बॉटलनेक कर गया VRAM की वजह से। सो इट कैन बी अ बिग बॉटलनेक फॉर यू इन फ्यूचर। ऑनेस्टली मेरे सारे पुराने सब्सक्राइबर्स को पता है कि मैं बड़ा शक्की बंदा हूँ ठीक है, तो मैं कभी भी जो होता है ना सीधा ग्रैब करने पर बिलीव नहीं रखता हूँ। मैं तुम्हें पर्सनली, ये मेरी पर्सनल एडवाइस है, दिस इज नॉट अ प्रोफेशनल एडवाइस, तुम कर सकते हो जो तुम्हें करना है, लेकिन मैं तुम्हें पर्सनली ये एडवाइस करूंगा कि बस AMD की तरफ से आने वाले GPUs के रिलीज होने तक रुक जाओ, इन सारी कंपनीज को अपने पत्ते खोल लेने दो, एक दूसरे से लड़ लेने दो, क्योंकि अभी से एक 20 GB वाले 3080 SKU लीक्स में हमें दिख रहे हैं राइट, यानी कि 3080 वाली कॉन्फ़िगरेशन लेकिन विद 20 GB ऑफ VRAM GDDR6 एंड दैट GPU विल इन फैक्ट बी द वन दैट यू शुड बाय इफ यू आस्क मी राइट। कोई बॉटल नेक नहीं होगी उसके ऊपर एटलीस्ट अगले 3-4 सालों तक। तो आई एम नो मैन, मैं तुम्हारे को पर्सनली मैं नहीं लेने वाला हूं, मैं भी GPU के लिए मार्केट में हूं, मैं 3080 नहीं लेने वाला हूं, मैं 3080 Ti लूंगा विद बेटर यू नो हायर क्वांटिटीज ऑफ RAM। तो तुम मुझे कमेंट में बताकर जाओ कि तुम क्या सोच रहे हो इन बेंचमार्क्स को देख के। चैनल पे नए आए हो तो मेरी इससे पहले की 4 वीडियोस बार बार बोल रहा हूं जरूर देख लेना, लाइव स्ट्रीम नहीं वीडियोस, अगर इस जनरेशन में GPU ले रहे हो तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल टू नेवर मिस अनदर वीडियो फ्रॉम मी, क्योंकि यू रियली डोंट वॉन्ट टू मिस देम। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर मीम्स, ऑन ट्विटर फॉर टेक न्यूज एंड ओपिनियन जिनके बारे में शायद मैं वीडियो ना बना सकूं, एंड जॉइन माई डिस्कॉर्ड सर्वर इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर नेक्स्ट पीसी बिल्ड, वहां पर बहुत ज्ञानी लोग हैं, तुम्हारी मदद हो जाएगी। आई सी यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर ग्रेट वीडियो ऑन दिस चैनल, दिस इज पर्शकर साइनिंग ऑफ, बाय बाय टाटा, सी यू एंड पीस। ग्रेट GPUs दिस जनरेशन गाइस, लेकिन जो $699 का जो प्राइस टैग है ना दैट्स नॉट रियल, बार बार बोल रहा हूँ वाली वीडियो जाके देखो। बाय।